नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों चैनल की नई मोटिवेशनल वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ज़िंदगी में आप कितनी भी बार हारे हों यह कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब आप कार्य करते हैं, जब आप चीज़ों को करते हैं, तो उस समय आपको असफलता भी मिलती है। बहुत सारे लोगों को बहुत बार असफलता मिलती है, और अगर आप मैदान नहीं छोड़ते, अगर आप जिस फील्ड में जो चीज़ भी कर रहे हैं अगर उसको नहीं छोड़ते, तो आपका जीतना तय है। आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर आपने फील्ड छोड़ दी, आपने सारी चीज़ें छोड़ दी, एक होप छोड़ दी, तो फिर सारी की सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। तो ज़िंदगी में आप कितनी भी बार हारे हों मैटर ये नहीं करता है। हारने की वजहें अलग अलग हो सकती हैं, आपके एक्सक्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका जीतना तय है। तो आप उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने लक्ष्य के लिए आपने जो भी, जैसे मान लीजिए अपर पीसीएस के एग्ज़ाम या अपर पीसीएस में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको क्या है, आपको निरंतर रूप से एक लगातार रूप से आप लोगों को मेहनत करनी होगी। आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों की बेहतर रूप से तैयारी करनी होगी, तभी आप जीतेंगे। क्योंकि जब आप हारते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, देखिए कमियां देखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, आखिर गलती कहाँ हुई, अगर आप गलतियों को नहीं देखते, गलतियों को नहीं सुधारते, तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। आपको क्या है, ज़िंदगी में आप कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ये बिल्कुल ठान कर रख लीजिए कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, किसी भी हालत में अपर पीसीएस में एक सिलेक्शन लेना है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बस आप अपनी कमियों को दूर करिए। आप ये देखिए कि आपका अगर मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आखिर आंसर राइटिंग में कमी कहाँ रह गई, इन सारी चीज़ों को देखना है। प्रारंभिक परीक्षा में अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसको आपको देखना है। अगर कमी नहीं देखेंगे तो आप हारते रहेंगे। कमियों को देखकर, उनको सुधारकर, अगर आप सोच कर देखिए कि आयोग क्या है। आयोग तो सिलेक्शन देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। आप आयोग के अनुसार कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आपने आयोग के अनुसार सारी की सारी चीज़ें फुलफिल कर दी, तो आपका सिलेक्शन तय है। और आप कितनी भी ज़िंदगी में कितनी भी बार कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हारे हों, आपका जीतना तय है। अगर आपने फील्ड नहीं छोड़ी और आप निरंतर रूप से प्रयास करते रहे, तो आप लोगों को निरंतर रूप से प्रयास करते रहना है, जोश और जुनून के साथ में तैयारी करनी है, और 2021 में सिलेक्शन लेना है, एक पीसीएस अधिकारी बनना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।